अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मशहूर रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चने की दाल ली है, उसे भिगो दिया था एक घंटे पहले, और अब एक कुकर में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें अब डालेंगे हम एक कटी हुई प्याज, एक टीस्पून हल्दी, इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करना है हमें, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे लिड लगानी है और इसे 3 से 4 सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम में। तीन से चार सीटी हो गई हैं, अब हम दाल को खोल कर देखते हैं कि हमारी दाल गली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल ही गल चुकी है, और अब इसमें जो भी थोड़ा सा पानी होगा उसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसी बर्तन में हमें इसे अच्छे से मसल लेना है दाल को पूरी तरह। एक मैशर की मदद से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि एक भी दाल का टुकड़ा ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमने दाल को अच्छे से मसल लिया है और बिल्कुल ही एकदम ये मैश हो चुकी है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसके मसाले की तरफ आइए, देख लेते हैं कि हम इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने दो चम्मच सौंफ ली है, आधी चम्मच धनिया ली है, दस से 12 काली मिर्च हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 2, और 3 से 4 लौंग हैं, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। दो चम्मच जीरा, और 10 से 12 लाल मिर्च है। मिर्च हमने अपने अकॉर्डिंग यूज़ की है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तीखा आपको पसंद है तो तीखा लीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इन्हें हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से, एक अच्छी सी खुशबू आने तक इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। अब इनमें हमारे अच्छी सी खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें अपनी ये जो लाल मिर्च है उसे भी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी गर्म होने के तक इसे भी भून लेंगे, हल्की खुशबू आने तक इसे भी भूनेंगे। अब हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अब हमें इस पाउडर को इसी दाल में ऐड करके अच्छे से मिला लेना है हाथों की मदद से, और खूब अच्छे से मसल मसल कर मिलाएं ताकि खूब हमारा पेस्ट अच्छे से एक दूसरे में। मुझे ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा
हल्का पानी गुनगुना लगाया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद एक डो की तरह तैयार कर लें। अच्छे से मसल कर ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून और यानी 1/2 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और इसे हमें एक रोटी की डो की तरह तैयार करना है, जैसे रोटी हम नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह एक आटा मुलायम सा गूंदना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा गूंद गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे साइड में रख देंगे कुछ देर के लिए। तो अब इसमें हमें नॉर्मल रोटी की तरह ही पेड़ा लेना है। इस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, इस तरह उसी साइज आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं रोटी को। और अब देखिए, अब मैं किस तरह इसमें भरती हूँ रोटी में, स्टफिंग किस तरह भरते हैं वो आइए देख लें। हाँ, इसी तरह हम दबा दबा कर इसमें बैटर को भरेंगे और इस तरह कटोरी की तरह करते जाना है। और इसे दबाते ही अंदर दबाते जाएंगे और हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह घुमा घुमा कर अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह गोल करके हाथों की मदद से रोटी की शेप में हमें इसे दे देना है। अब इसमें थोड़ी खुश्की लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम बेलेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह बेला है, आप इसी तरीके का बेलिए। और अब हम हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम। और एक बार इसे ज़रूर अपने घर में बनाएं, ये खाने में बहुत ही जायकेदार होती है। और इस चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। और हमारी रोटी देखिए अच्छी से सिक चुकी है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर हमें उलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। तो देख सकते हैं ये पराठा हमारा खूब रेडी हो गया है। आप इसे चावल की खीर और आम के साथ सर्व करें। घर में सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अच्छी अच्छी रेसिपी आप कमेंट में हमें बताएं, ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें।